वेलकम बैक टू मल्टी आर्ट एवोल्यूशन व्लॉग्स। और आज है इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास ट्यूजडे। आज है जंगल सफारी। सार्थक सक्षम सुब्रा एंड पिंकी और मनीष हो गया कहीं। रात यार हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत लेट हो गया था सोते सोते। रात के 2:30 बज गए होंगे। बच्चों को तो हमने सुला दिया था टाइम से कि चलो सफारी पे जाना है, बट क्या हुआ कि हम खुद नहीं सोए। अब भैया भी थोड़े से लेट आए, उन्होंने 5:30 का टाइम दिया था, वो ही आए 5:50 पे और हम आपकी जगह फिर हम उठते तैयार होंगे। 5 मिनट में जंगल सफारी पे निकल चुके हैं। अच्छा भाई साहब, ये भी है हमें पैराग्लाइडिंग वगैरह। वाह, पिछली बार नहीं आते डैम डूम राम। आर यू एंजॉयिंग? मॉर्निंग में ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नहीं चल रही, गर्मी लग रही है। अरे झूठे गौ माता, हमको कुछ नहीं आता। लक्ष्मी मंदिर कहते हैं, आएगा ऊपर और इस बीच में जो है जंगल पड़ेगा, उसमें आपको क्या जानवर दिखता है क्या नहीं दिखता मैं ये नहीं कह सकता, बट लक की बात है। और इसके बाद फिर हम वहाँ आप नीचे उतर भी सकते हो और बहता हुआ पानी है और कुछ सूखी हुई नदी है, तो आप जो है वहाँ रुक भी सकते हो, आधा घंटा रुक भी सकते हो। अच्छा, और ऊपर आपका मंदिर है, बिल्कुल एकदम से जंगल में है जाते ऊपर। बेटे कौन है तू? हाँ जा रहे हैं, देखो देखो देखो। बोल उसमें तो बोलो। हमें टीएस दिखे पर वो रिकॉर्ड नहीं हो सकते थे क्योंकि वो झाड़ियों के पीछे हमने रिकॉर्ड नहीं किया। क्या तो ये सूखी नदी है क्या? अच्छा कब आता है इसमें पानी? असली असली क्या कहते हैं सफारी अब शुरू हो गई था। ओहो ब्लैक कॉफी वाली फिटनेस, क्या बात है। अरे आज इंटरनेशनल योगा डे है तो गाइस आप सभी को योगा दिवस की बेहद शुभकामनाएं। तो आप योगा करने वाले हैं क्या? करते रहो और हेल्दी रहो। आप योगा करने वाले हो क्या? सोच रही हूँ आज से फिर से अपना फिटनेस का जो जर्नी है स्टार्ट कर दूँ। और मुझको तो यही सोई थी बट यहाँ पे आ गए अभी हम और अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। जब जाओ तब सवेरा और आज से मेरी फिटनेस शुरू हो रही है। पिला दे दीवानी मैं हूँ जिसकी I'm a bad girl। मेरे का पहले बहुत चला करते थे। अच्छा तो ये बंदी हो गए। नहीं अब दोबारा चलन में आ रहे हैं। अब तो शादियों में भी देखता हूँ मैं। अब ये चक्कर में आ रहे हैं ना, ये प्लास्टिक के डिस्पोजल बंद करने के चक्कर में। बंद करने भी चाहिए। ये सही है। अब क्या है शादियों में भी आने लगे ये जितने भी प्लास्टिक वगैरह है ना सर यहाँ और ये आपका। और हम ही करके जाते हैं दोबारा आएंगे। हाउ इज द कूलर चाय? थोड़ा अरोमा की बहन रोमा को स्मेल करो। हाँ मुझे पता है, बोलना एक बार। अरोमा, रोमा की बहन अरोमा आ रही है। भाई तो देख बाइक पे घूम रहा भाई साहब यहाँ पे। अरे टाइगर बिस्किट दो इनको, टाइगर बिस्किट। ब्लैक कॉफी बन गई ठीक है तो कुल्लड़ में चाहिए। अरे वाह नाइस, लव थैंक यू गाइस, चीयर्स ब्लैक कॉफी। मैगी तैयार है और हम लोग वहाँ उस नदी पे जाकर के थोड़ी देर बाद मैगी खाएंगे वहाँ पे आगे।
ये देखो मैगी खाने वाले बंदे हमारे पानी में बैठ के मैगी खा रहे हैं और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। भाई डाइट ली है, वैसे तो बहुत देर से मेरा मन भी कर रहा है इनको देख के खाने का, बट मन कहीं नहीं भी कर रहा, मन नहीं कर, पता नहीं क्या अंदर से मन ही नहीं कर रहा। कॉफी पी है ना तो शायद उस वजह से। अच्छा है, अच्छा ये ना आवाज आ रही होगी पानी के शोर की, तो बस वहाँ बच्चे हमारे वहाँ पे हैं और हम यहाँ आके बैठ गए पानी में। थोड़ी देर बाद हम हो सकता है कि मंदिर में भी जाएं ऊपर। नाना जी भी ऋषिकेश घूमने हैं, क्या मैं टच कर लूँ? दो हैं, दो लड्डू गोपाल दो। हेलो हेलो, एक एक्चुअली अभी यहाँ से लिए हैं। कान्हा जी का क्या भोग आज क्या खाया कान्हा जी ने भोग में? नमकीन खाई है अच्छा। कान्हा जी को हॉलीडे पे लेके आए हैं ये लोग। दिस इज सो कूल। हाँ रुको एक मिनट। हाँ साहिल भैया आपका क्या नाम है? दिनेश साहिल। और मेरा नाम शुभ्रा। तो ये आपकी दोस्त की शॉप है या कैसे? जानने वाले की ना। हाँ आप क्या करते हैं यहाँ पे? जिप्स। अच्छा इन भैया की तरह ही। नाइस नाइस। का नाम क्या है? अनिल रावत। सही सही अनिल रावत। तो गाइस जो भी आए, अगर जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है, जो भी छोटे मोटे से चैनल की, तो प्लीज आप लोग जरूर यहाँ पे आना और कॉफी पी के जाना मेरी तरह ब्लैक। सार्थक ने हाथ लगा दिया इसको और जय बस भगवान जी इसको पढ़ाई में अच्छा कर दो। और वेरी गुड, जाओ बैठो आप, हम आते हैं। भाई रॉकेट मत बन, थोड़ी देर रुक जा ऊपर ऊपर सीधा। हाँ क्या बोलते हैं इसको, भूल गई। इसे क्या बोलते हैं? ऐसे जो हो कर देते हैं ढोल समझ लीजिए पेड़ में। ये तो अंग्रेजी में बता दिया तुमने। कुछ देहाती में बताना था, शाहजहांपुर वाली उसमें स्टाइल में। अरे शाहजहांपुर में क्या बताओ अपने स्टाइल में। वहाँ से तो बड़े तेज तेज भाग रही थी ऊपर भागने के लिए, पता चल रहा है बहुत नीचा है। दिखाऊंगी अभी, ये भी रुक जाओ। अरे ये कुछ नहीं दिखेगा यहाँ से, अभी तक ऊपर चढ़ने के बाद दिखाती हूँ। बच्ची भी आ रही, क्या नाम बेटा आपका? नाम बताओ। रीजा। रीजा अरे वाह वेरी गुड है, बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, ऊपर तक चढ़ रही है, ब्रावो गर्ल। शुभ्रा आ गए क्या? वाह माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर सिद्धपीठ ट्रस्ट। बोला भी नहीं जा रहा, सांस फूल गया अब तो। और फाइनली मंदिर आ चुका है। जय माता दी, बोलो साचे दरबार की जय। बहुत प्रैक्टिस कर लो, जल्दी वैष्णो देवी आएंगे। जब वैष्णो देवी जाएंगे तो बहुत लंबी चढ़ाई है मैंने सुना है। ना बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इतनी सुविधाएं हैं हर जगह, आप चाहे बैटरी वाले उससे जाओ, गाड़ियां चलने लगी। अभी सुन रहे थे रोप वे भी वहां पे बनने वाला है, हो सकता है रोप वे बन गया हो, बाकी हेलीपैड भी बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जा रहा है। अच्छा ये भी व्लॉगिंग का चैनल है क्या? ये पता है क्या है? बताओ क्या है? बताओ सोलर पैनल। हाँ सोलर पैनल है। मैंने पहले ही बोला था, आते ही बोला था, सुनाई नहीं दिया मुझे। वो गाना कैसे? सच्चा सजा है तेरा मार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, अमृत की आह अमृत की लबन क्या है, अमृत की सजी है धार भवानी। मैं गाना भूल गई, लेकिन मेरा गाना फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट भजन है मेरा, लखा सिंह का है भाई। उसके गाने जबरदस्त है। मैं बहुत छोटी थी तब मैं गुड़गांव गई थी, मुझे कभी पता नहीं था लाइफ में मुझे गुड़गांव में आके रहना पड़ेगा एक टाइम पे आके। गुड़गांव गई थी बहुत छोटी थी, मेरी मामा की बेटी का मुंडन था। प्यारा सजा है तेरा
सार्थक सार्थक सक्षम सक्षम सार्थक आई लव यू आई लव यू आई मेरा बच्चा छोटी सी एक बात करती थी तो मैंने सोचा चलो कैमरा निकाल लेते हैं। आज से कुछ साल पहले तक मुझे ये सब ना पाखंड लगता था, पर्ची कटवाना और ये सब करना, सच बता कि यार ये सब ड्रामा है, फलाना है ये। लेकिन कुछ चीज़ें मैच्योरिटी उम्र के साथ आती है और मुझे लग रहा है मैं बड़ी हो रही हूँ कहीं ना कहीं। और मैंने ये चीज़ जानी कि अगर हम लोग चढ़ावा नहीं देंगे तो मंदिर का मेंटेनेंस कैसे होगा। पहले मैं चढ़ावा देने में मतलब लोगों की रोजी रोटी भी चलती है, ऑफ कोर्स। पहले मुझे सब सच बता रही हूँ मैं, एकदम भी वैसे एकदम प्रैक्टिकल होके कि मुझे लगता था यार ड्रामा है, पाखंड है, नॉवल। बट नहीं, अगर हम हिंदू ही होकर के या कोई भी धर्म के होकर के अपने ही धर्म को बढ़ावा देने के लिए और अपनी जो पूजा घर है, पूजा के स्थान है, उनके लिए मेंटेनेंस के लिए अगर हम चढ़ावा नहीं देंगे तो मेंटेनेंस होगा कैसे? और फिर हम बुराइयां करते, यहाँ गंदा था, यहाँ ये नहीं था, वो नहीं था। तो आप लोग भी चढ़ावा जरूर दिया करें, खासतौर पे जो ये पर्ची कटती है ना, जरूर कटवाएं, चाहे 100 रुपए की या 50 रुपए की, बूंद बूंद से घट भरता है और दिल को भी सच में सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। पाखंड मत समझो इसको, मैं गलती करती थी बट अब नहीं करती। चलावे जी तुसी हाँ बैठो और जमीन गाड़ी मुझे देख रहा हूँ भाई टाइट कितनी चलाने में क्या दिक्कत है। टाइट है कितने साल में गाड़ी चलाते हो? 2005 का लाइसेंस है। क्या बात है, सारा का हुआ तो यूपी यूपी आ रहे हैं यूपी आ रहे हैं। थैंक यू धन्यवाद। इतनी चलाई हाँ, बोलो बोलो। अरे ऐसे छोड़ देंगे गंदा निकालेंगे, कट्टा निकालेंगे सीतापुर वाले। सीतापुर तुम भी कुछ लाइन मारो ना, अब हम ये प्यार की गंगा की जो धार है उससे काट देंगे। हवा के साथ साथ चल तू बहन कौन है तू? ये क्या था बे? मेरा सर फोड़ दिया बे। नीचे बैठ तू, नीचे बैठ। हम तो उड़ गए। और वो चाय वाले भैया उससे भी औसम थे। चाय पिलाई उन्होंने, कॉफी पिलाई उन्होंने, मैगी खिलाई और पैसे भी लिए। हाँ पैसे तो लेंगे, फ्री में कौन देता है। अरे ठीक है, लेकिन लेकिन आप लोग जब भी आओगे ना मेरे कहने पे एक कप चाय जरूर पीना। वहाँ पे
ब्लॉग का कर रही हूँ मैं यहीं पे एंड बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज ही का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी, ये यहीं खत्म कर रही हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा।